हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किसके एपिसोड नंबर 14 के साथ। आज दिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सामने वाला बंदा होता है, उस पर अटैक करता है और बोलता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं गिरा सकते। फैनयान भी अपनी ट्रांसफॉर्मर फॉर्म में उधर आ जाता है। उसकी स्पीड देखने के बाद सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और तभी हमें फैनयान का ट्रांसफॉर्म वाला रूप दिखाया जाता है और उसकी लिपस्टिक लग गई होती है, एकदम चौमू लग रहा है बे। और उसे बोलता है आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। जिसके देखने के बाद वो बस सामने वाला बंदा होता है गिरना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है ये तो अबायस में गिरने वाला है। और फैनयान भी मजे ले रहा होता है फाइट के क्योंकि उसने डीमन स्किल का इस्तेमाल किया होता है। उसने सामने वाले बंदे को अच्छे से काट दिया होता है गाजर मूली की तरह और हमें दिखाया जाता है उसके अटैक के कारण वो बिल्कुल बर्फ में जम गया होता है। और वो उससे बोलता है अपनी आँख ड्रामी आके दिखाते हुए कि तुम एक ग्रिल फिश की तरह दिख रहे हो और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी बोलता है अच्छा ये क्लियर हो चुका है, अब बताओ अगला कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके मास्टर को मंगल देख रही होती है और उससे बोल रही होती है मास्टर आखिरकार आपके साथ गलत क्या है। तभी जो वेल होती है वो उससे बोलती है तुम साउंड मत करो यहाँ पर। इसको देखने के बाद फैनयान उसकी तरफ घूरती हुई देखता है और उससे बोलता है यहाँ पर अभी भी कुछ जिंदा लोग हैं। और फैनयान उसके पास आता है और उससे बोलता है कितना ज़्यादा प्यारा फेस है इसका, मुझे थोड़ा काटने दो इसे। और जैसे ही वो मास्टर के पास आती है तभी अचानक से कुछ होने लगता है उसको और एनर्जी जनरेट होने लगती है। और तभी वो चिल्लाती हुई कहती है ए फैनयान जल्दी से उठ जाओ, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी डिमोनिक इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी है, तुम इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं होने दे सकते, आखिरकार मास्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, गलत क्या हो गया है। तभी जो वेल होती है उससे बोलती है फ्लावर सेज गर्ल अपने आप को बचाइए, मैं इसे जगाने की कोशिश करती हूँ। और उस पर अटैक करने लगती है वेल भी चिल्लाते हुए। और तभी जो फैनयान है उससे बोलता है अब जबकि तुमने मुझ पर अटैक कर ही दिया है तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। और हमें दिखाया जाता है जो वेल अपने मुंह में जो एनर्जी जनरेट करने लगती है उस पर अटैक करने के लिए और बोलती है फैनयान उठ जाओ नहीं तो पापड़ बन जाएगा तुहार। और वो हंसते हुए उसकी तरफ देखता है बिल्कुल डीमन लग रहा होता है लिपस्टिक लगा के। और उसके अटैक के कारण धमाका होता है जिसको देखकर जो मंकी गर्ल उसे बोलती है सिस्टर ल्यूफो क्या मेरे मास्टर ठीक है। और तभी जो वेल होती है वो उससे बोलती है बिल्कुल ठीक है। और मन में सोचते हैं बोलती है वेल मतलब ल्यूफो कि ये इसके साथ अच्छा हुआ कि ये अभी तक ट्वाइलाइट स्टेट पर नहीं गया है वरना मैं इसे रोकने में नाकामयाब होती। अब मैं दिखाई जाता है ज़ियाओ भी वहाँ पर कूद जाती है अपने पहाड़ी से और बोलती है ए फैनयान। तभी जो वहाँ से आती है वेल उस वेल आते हुए देख लेती है और उससे बोलती है ये पर्सन कौन है। तभी मंकल उससे बोलती है ये मास्टर की दोस्त है। तभी वेल उससे बोलती है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो बोलती है मंकी गर्ल सिस्टर ल्यूफो आखिर अब क्या होगा यहाँ पर। तभी वेल उससे बोलती है इस बच्चे के अंदर एक इनह्यूमन काय है मतलब एनर्जी। वो ज़ियाओ के बारे में बात कर रही होती है तभी आती है ज़ियाओ, ज़ियाओ उसे पकड़ लेती है और बोलती है यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं जैसे वो जगता है और वो ज़ियाओ की गर्दन पकड़ता है और बोलता है किसने सोचा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत और ललन टॉप यहाँ पर आई होगी मुझे बचाने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है फैनयान उस पर फोर्स करने लगता है ज़ियाओ पर और उसको मतलब किस तरीके से पकड़ा तो देख सकते। तभी ज़ियाओ से बोलती है फैनयान ये मैं हूँ, हे फैनयान शांत हो जाओ वरना हम दोनों नीचे गिर जाएंगे पानी में। तभी फैनयान उठता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं डरावनी और उससे बोलता है मुझे डर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता, अगर तुम जैसी कोई प्रीटी लड़की मेरे साथ है तो साथ में मरे तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे काब लायक है बिल्कुल। इसको सुनने के बाद जो ज़ियाओ होती है वो पानी में गिर जाती है और उसके सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और बोलती है फैनयान। तभी उसका जो डीमन फॉक्स वाला जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके फॉक्स जो टेल्स है वो पावर से जनरेट होती लगती है और उसके मत्थे पर एक साइन आने लगता है और उसकी टेल्स भी बाहर निकल आती है और ज़ियाओ भी जाग जाती है अपनी पावर्स के साथ और वो उस पर अटैक करने लगती है डायरेक्ट, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और जो ज़ियाओ थी वो एकदम से दहाड़ने लगती है, जिसे देखकर फैनयान सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी डीमन एनर्जी में कुछ कन्वर्ट होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हर जगह लाल लाल धुआं होता है जिसको देखकर मंकल उसे बोलती है आखिरकार ये इमेजिनरी डीमन क्या है। इसको देखकर वेल उससे बोलती है ये एक डीमन का है एंड एक इमेजिनरी डीमन का है। और तभी वेल उसे बताती है जो हमारे एंशियंट डीमन थे वो ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट कर सकते थे। इसको सुनकर वो सरप्राइज होती है। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ के चीफ आ जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे बालक और बोलता है आखिरकार ये दिन आ ही गया, यहाँ पर इसकी सच्चाई के बारे में सबको पता चल जाएगा। और बोलता है यंग ज़ियाओ तुम जाग गए, जल्दी से उठो और अपने असली रूप में आओ। वो ज़ियाओ को जगाने लगता है लेकिन जो ज़ियाओ होती है वो डीमन फॉर्म के आने के कारण एकदम पगला गई होती है और तभी वो अपनी इमॉर्टल स्किल गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है उसे रोकने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घर का सीन।
यहाँ पर फेनयान होता है और एकदम से उठता है और चिल्लाता है, ए सिस्टर। तभी उसके मास्टर आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिरकार क्या गलत है तुम्हारे साथ स्टूडेंट। तभी वो बंदा कहता है, क्या मास्टर ये आपका रूम है, और बोलता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, जो यांग जा वो एक फॉक्स में बदल गई थी। तभी मास्टर उसका जो फेनयान का मास्टर है उससे बोलता है, क्या फॉक्स वो तो यहाँ के चीफ की स्टूडेंट है। तभी वो फेनयान उससे पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। और बार बार सोचता है, बोलता है मेरी जो मेमोरीज है वो ब्लर हो चुकी हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी मास्टर उससे बोलता है, उस दिन जो डाओ जेंस सेक्ट वाले के बंदे थे वो यहाँ पर अटैक किया था और चीफ ने, यहाँ के चीफ ने तुम्हें बचा लिया। तभी वो बोलता है, चीफ उन्होंने मुझे बचाया, आखिरकार मैंने किसके साथ फाइट की, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या। तभी उसका मास्टर उससे बोलता है, मुझे भी कुछ भी याद नहीं है, जब मैं उठा था वहाँ के जो चीफ थे उन्होंने मेरे अब तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया था। और वो तभी फेनयान उठता है उससे बोलता है, मेरी जो फ्लावर गर्ल थी वो कहाँ पर गए। तभी उसके मास्टर बोलते हैं, वो कौन है। और तभी लुओवनमार से उठता है और बोलता है, मतलब फेनयान पूछता है, जो लुओफू थी वो फ्लावर गर्ल को प्रोटेक्ट कर रही थी, आखिरकार लुओफू कहाँ पर है, मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है समंदर के बाहर का नज़ारा, समंदर नहीं एक लेक कह सकते हो कुछ भी। तभी वेल वहाँ पर आती है और उससे बोलती है, हे फेनयान आखिरकार तुम मेरे मास्टर की तरह कैसे हो सकते हो, तुमने भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तभी फेनयान उससे पूछता है, आखिरकार मैंने क्या कर दिया है, फ्लावर सेज गर्ल कहाँ पर है। तभी जो वेल होती है वो उससे बोलती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने डाउजान सेट के एक एलाइट डिसिपल को मार दिया है, अब वहाँ के जो मास्टर है वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी वो बोलता है, मैंने किसी को मार दिया, हे लुओफो के तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ मेरे इस लेवल के साथ। और तभी वो वेल उससे बोलते, क्या तुम सच में भूल गए अपनी डीमोन स्किल इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी के साथ, जिसको तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें दी थी। इसको सुनते ही उसके मत्थे में कुछ होने लगता है और बोलता है, मुझे तो इसका कोई भी आइडिया नहीं है, सिस्टम से पूछता है, शायद सिस्टम कुछ पता हो, और सिस्टम को बाहर बुलाता है। और हमें दिखाया जाता है सिस्टम वहाँ से निकल लेता है पहली फुर्सत में, और सिस्टम उसको बुलाने पर भी नहीं आता है, और उससे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, हे सिस्टम तुम कहाँ गए आखिरकार। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम एक स्क्रीन पॉपअप करता है और उससे बोलता है, जो सिस्टम का जो अपडेटिंग वर्जन है 2.0 वो प्रोग्रेसिंग में चल रहा है, तो आपको पेशेंस रखना होगा मास्टर। ये सुनते ही फेनयान भड़क जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ़ कहीं कि यही समय मिला था तो अपग्रेड होने के लिए। और मन में सोचते बोलता है, हो एक अपग्रेड, अच्छा तो सिस्टम 2.0 में प्लग इन होने वाला, इसका मतलब ये हुआ कि मैं और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ प्लग इन कर करके। और बोलता, अबे तेरी आखिरकार क्या होने वाला है इसके अपडेट होने के बाद, चलो देखते हैं आगे चलकर नेक्स्ट एपिसोड में। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, फेनयान सपने देखना बंद कर। तभी वेल चिल्ला रही होती है वहाँ पर लुओफो, और तभी हमें दिखाया जाता है फेनयान उड़ता है उसकी आवाज़ के कारण और उससे बोलता है, हे इस तरीके से चिल्लाना बंद करो, मुझे पता है ये मेरी गलती है। तभी वेल उससे बोलती है, ये एक डेड एंड तो नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया, ये पूछता है फेनयान उससे बोलता है, लेकिन मैं अभी भी अपनी सिस्टर और फ्लावर गर्ल के बारे में चिंता कर रहा हूँ। वेल उससे बोलती है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ही अपने सीनियर की तरह हो, लीज़ यान मिंग की तरह, बट मैं उनकी लोकेशन को जानती हूँ। तभी वो उससे पूछते, आखिर कहाँ पर है वो लोग। और तभी वेल उससे बोलती, तुम्हारी जो फ्लावर मंकी गर्ल है वो मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारी सिस्टर नहीं है, वो भी तुम्हारी जैसी सेम सिचुएशन के साथ फंसी हुई है, लाइफ एंड डेथ के बिल्कुल बीच में। इसको सुनते ही फेनयान सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या आखिरकार क्या हुआ मेरी सिस्टर के साथ। और तभी वेल उससे बोलती है, तुम्हें जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा, पहले उसके लिए तुम्हें खुद जिंदा रहना पड़ेगा, और ज़ियानमिंग के इनहेरिटेटर को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। और बोलती है, मेरे मुँह में आ जा, तुझे जन्नत की सैर करा दूँ। तभी हमें देखते हैं वो जो फेनयान चिल्लाना स्टार्ट करता है, मुझे पता है, पहले मुझे जान दे दो, और वो अपना मुंह बंद करती है, वेल वहाँ से निकल लेती उड़ती हुई। और उसके मास्टर बोलते हैं, क्या लॉर्ड लुओफो, और वो बोलते हैं, प्लीज़ मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना, और वहाँ पे घुटने टेकने लगता है। और तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, ये तो फिफ्थ एल्डर और चीफ है, ये तो वाकई में फेनयान की मदद करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो चलो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना यार, पता ही है क्या बताना है, और लाल कलर का बटन दिख रहा होगा दबा दीजिए, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, अगर जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे मैं डेली ही उतनी वीडियो अपलोड करूँगा। अभी देखते हैं आप कितना सपोर्ट दिखाते हैं मेरे को, और मैं डेली 2, 3, 4 बोले तो 5 भी कर सकता हूँ, अगर मुझे अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।